Look into the book of James. And याकूब का पत्री, इधर 25 प्रकार का मनुष्यों के बारे में याकूब कहते हैं, साथ साथ एक ही ईश्वर उसका 15-16 गुण मनुष्यों के साथ जोड़ के ईश्वर हमसे कैसे अलग है इसके बारे में भी याकूब बताया। स्पीक्स अबाउट सम 25 डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम स्पीकिंग अबाउट गॉड हु इज हैविंग सम वंडरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज रिवील्ड इन रिलेशन टू His people. पहला कलम में हम ऐसा पढ़ते हैं, फर्स्ट वर्स, James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु के दास याकूब की ओर से हम ऐसा पढ़ते हैं। तो who is this James? और ये याकूब कौन है? ए याकूब 12 प्रेरितों में से एक नहीं है। Who was the brother of John? He is not. Then who is this James or याकूब? Matthew chapter 13 we read about Jesus and his family. Matthew 13. Verse 55 and 56. क्या यह बड़े ही का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? ओके, सो पीपल रिकॉग्नाइज हिम, न्यू हिम, एंड दे अंडरस्टूड दैट ही इज the carpenter's son or a carpenter, and they referred his mother Mary, then his brothers James, Joseph, Simon and Judas, and sisters. So we understand that James was the eldest, but until the resurrection none of them believed in the Lord Jesus. We read in John's Gospel chapter 7, Yuhanna ka suvartha 7th adhyay mein un log baki yahudiyon ke sath milke yeshu par kai aaya, un par vishwas nahi kiya. Iska teesra kalam mein hum aisa padhte hain, His brothers therefore said to him, Depart from here and go into Judea, that your disciples also may see the works that you are doing. Panjwa kalam mein, for even his brothers did not believe in him. Baki log vishwas nahi kiya to humko samajh sakte hain. Idhar dekho, bade ho gaya, unke chote bhaiyo, छोटे उम्र से उनको देखे ही साथ में बढ़ते थे, उनका बोलना चलना सब देखा था, पर बाद में वो जो उनका पब्लिक मिनिस्ट्री में आया, उन लोग उसको देखते रहते थे, फिर भी उन लोग उन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। उसका एक कारण ये होगा, हमारे साथ
बड़ा हो गया, हमारे साथ बैठा, हमारे साथ खेला, हमारे साथ खाना खाया, हमारे साथ सोया। अभी ये बोल रहा है मैं स्वर्ग से हूं, मैं सारे जगत के लिए जीवन देने वाला हूं, मैं जगत का उद्धार करता हूं, ये सब मानने के लिए उन लोग तैयार नहीं था। फिर पहला कुरंदी 15:7 में पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह याकूब को एक स्पेशल दर्शन दिया। 1 Corinthians 15:7 फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। इधर याकूब को, बाकी सब प्रेरितों को भी दर्शन दिया, याकूब को दर्शन दिया। ये पुनरुत्थान और उसके बाद जो दर्शन, याकूब का सोच, उसका विचार सब बदल डाला। अभी याकूब समझ लिया ये हमारे जैसा नहीं है, हमें से एक था, हमें से बहुत है, ये सच में परमेश्वर का पुत्र है, ये जगत का उद्धार करता है। और प्रेरितों का काम पहला है, उधर Acts 1:14 इन दैट 120 पीपल गैदर्ड, मैरी द मदर ऑफ जीसस वॉज देयर, देन दिस ब्रदर्स वर ऑल्सो देयर। 1:14 ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ओके, ये पुनरुत्थान पूरा परिवार को बदला, उनके सारे भाई विश्वास में आया। ये दूसरा है यहूदा, जूडस, जूड, ये दो भाइयों के द्वारा हमको दो पुस्तक बाइबल में मिला है। चले यीशु का पुनरुत्थान उनका आंखों खोल दिया और वो समझ लिया ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। और इंद्रिया को पहला बात कहते हैं, परमेश्वर का दास, यीशु मसीह का एक दास। उनको बोल सकता था ईसी का एक भाई, ऐसा बोल सकता, ऐसा बोलने के बदले में वो बोला है यीशु मसीह का एक दास। वो समझ लिया यीशु कौन है और इनके सामने, यीशु के सामने उनका भाई भी है, उससे बढ़कर यीशु मसीह का एक दास, उनका एक सेवक है। इतना हम शुरुआत में याकूब के बारे में जानना अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते हैं, उन लोग सोचेंगे ये 12 शिष्यों में से एक है ये पत्र लिखने वाला। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। ओके, इधर ईश्वर के बारे में बताया है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि कम है तो क्या करना है, और ईश्वर से मांगना है। ईश्वर के बारे में तीन बातें इधर बोला है, सबको देने वाला है, ही गिव्स टू ऑल, सबको ही गिव्स लिबरली, उदारता से देता है। ही गिव्स लिबरली, सेकंड थिंग। थर्ड, विदाउट
एनी रिप्रोच, कुछ उलाहना नहीं करता है। हम मनुष्यों के पास बार बार जाएगा तो मनुष्य नाराज हो जाएंगे, क्यों बार बार मेरे पास आता है। ईश्वर कभी ऐसा करने वाला नहीं है। इधर बुद्धि के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, केवल उसके लिए नहीं, हमारा जीवन का हर जरूरत के लिए हम ईश्वर के पास जा सकता है। और इधर समझना है, तीन बड़ा गुण है। एक है सबको देने वाला है, दे सकता है, सबको देने के लिए उनके पास है, इतना बड़ा एक ईश्वर है। दूसरा, ही गिव्स वेरी लिबरली एंड उदारता से देता है। तीसरा बात है, वो उलाहना नहीं करता। अरे यू विल नॉट गेट अपसेट विथ अस, यू विल नॉट गेट अनहैप्पी विथ अस। सो गॉड लाइक्स पीपल, दो पीपल दोस हु आस्क हिम, जो उनसे मांगते हैं उनको ईश्वर प्यार करता है। ऐसा एक ईश्वर है हमारा ईश्वर। इधर कॉन्टेक्स्ट अलग है, इधर है ना, विश्वासी लोग नाना प्रकार का परीक्षा उनके जीवन में हुआ है। दूसरा कलम में ऐसा परीक्षा के समय में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए बहुत जानकारी का जरूरत है। इसलिए बहुत प्रार्थना करना है और ईश्वर के पास जाना है, और बार बार जाना पड़ेगा। और ऐसा एक ईश्वर हमारे लिए है, सबको देने वाला है, सबको देने के लिए उनके पास है, वो उदारता से दे है, और किसी का उलाह नहीं करता है। ऐसा है। ओके, पहला बात ईश्वर के बारे में, ये पांचवा कलम। बारहवा कलम, एक का बारह, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। ओके, प्रतिज्ञा देने वाला एक ईश्वर। इधर क्या प्रतिज्ञा दिया, परीक्षा में विजयी होके आते हुए लोगों को He will get the crown of life, जीवन का मुकुट, ये प्रभु वायदा किया। एक बात समझना है, ये जीवन का मुकुट अनंत जीवन नहीं है, उदार नहीं है, स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। और आत्मिक जीवन बराबर जो जिया है उसको मिलने वाला प्रतिफल में एक है क्राउन ऑफ लाइफ। ऐसा हम समझना है, बाइबल में नए नियम में पांच प्रकार का मुकुट के बारे में आया है। देयर आर रेफरेंसेस टू फाइव क्राउन्स, और उसमें आज जाने के लिए हमारा टाइम नहीं है, पर भी मैं उसको थोड़ा बता के दूंगा। There is an incorruptible crown. There is crown of rejoicing. There is crown of righteousness. Then there is crown. Here we have the crown of life. ये सब प्रतिबल है। क्राउन के बारे में बताया, मुकुट के बारे में बताया, वो विश्वास के बाद हम ईश्वर का
प्रतीक्षा के अनुसार जो जीवन जिया उसके लिए मिलने वाला इनाम है प्रतिफल, वो समझने का। इसलिए ईश्वर वायदा किया है, ये वायदा है। दो का पांच में भी एक दोबारा वायदा के बारे में बताया है, द किंगडम विच ही प्रॉमिस्ड टू दोस हू लव हिम, उनको प्रेम करने वालों के लिए वायदा किया हुआ राज्य, ईश्वर का राज्य हमारे लिए वायदा किया हुआ है। इसलिए दूसरा रेफरेंस ईश्वर के बारे में है, वायदा देने वाला ईश्वर। ऐसा बाइबल एक पुस्तक है, इसके अंदर बहुत वायदाएं हैं, मनुष्यों का वायदाएं और ईश्वर का वायदाएं बहुत भरक है। मनुष्य कभी कभी अच्छे उद्देश्य के साथ वायदा देता है, टाइम भी जाते हैं, उन लोग उसको याद नहीं रखते हैं और याद नहीं रहता है, वो सब लंबे समय पूरा करने का जरूरत नहीं है। ईश्वर ऐसा नहीं है, हम ईश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारा ईश्वर वायदा जो क्या है वो पूरा करने वाला। चलिए, बाइबल ऐसा एक पुस्तक है, बहुत वायदाओं से भरा हुआ है। ईश्वर चाहते हैं हर एक विश्वासी ये वायदाएं उनका बनाए, उनका जीवन के साथ जोड़े, ये ईश्वर चाहते हैं। ओके, ये दूसरा ईश्वर के बारे में रेफरेंस है। तीसरा में हम जाएंगे 17 कलम, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। ओके, इधर हर एक वरदान ऊपर से है और जो अच्छा वरदान है सब ईश्वर से, जो ज्योति का पिता है उनसे मिलता है। अगर उसके बाद बताया है वो बदलता नहीं है, ईश्वर बदलता नहीं है, मनुष्य बदलते हैं। इसलिए मनुष्य जो करते हैं वो भी उसमें भी बदलावट आते हैं। ईश्वर ऐसा कभी बदलने वाला है, इधर कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। यीशु मसीह कल आज और सदा काल के लिए एक सा है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। And in the book of Malachi, God says, I God who changes not. मैं बदलता नहीं, मैं ईश्वर बदलता नहीं। हम ऐसा एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं। इधर है ना सूरज और ईस्ट में सुबह प्रकट होता है और वेस्ट में हमको उसका हम खड़े हो जाएंगा तो छाया मिलेगा और शाम को उल्टा हो जाता है, बदलते हैं। और ठंडी के मौसम में हम समझते हैं और जहां सूरज बाकी समय तो होता है पर नहीं होता है, थोड़ा उसका क्या बोलेंगे डायरेक्शन बदल जाता है। ईश्वर में ऐसा कभी नहीं होता है,
और इसके बारे में यीशु मसीह मत्ती का सुवार्ता 5 का परिचय में बताया, दुष्टों के ऊपर और धर्मी के ऊपर परमेश्वर उसका सूरज को करता है और दुष्टोंगो और धर्मी को दुष्टोंगो बारिश देता है, बारिश के द्वारा पानी देता है। लोग बदलते हैं, लोग उनका परिचय के अनुसार जीवन नहीं बिताते, पर भी ईश्वर उनका आशय रोकता नहीं। रोकना है तो ईश्वर को रोक सकते हैं, पर ईश्वर ऐसा नहीं करते। इसलिए इधर हमारा ईश्वर के बारे में दो बातें हैं। पहला बात, ओ दान देने वाला है, इज अ गिवर ऑफ गिफ्ट्स। गिफ्ट मतलब है, दो बात है, वो पूछने के बिना देता है और वो देने वाले का मर्जी बात है। कोई जाके गिफ्ट मांगने का जरूरत नहीं है, गिफ्ट है तो देने वाला का मर्जी का बात है। क्या देना है, कितना देना है, ये सब देने वाले का मर्जी का बात है। इसलिए सब कुछ ईश्वर गिफ्ट है, कुछ पूछना नहीं पड़ा। पहले से ईश्वर मालूम था तो क्या देना है, जरूर है और इसका सब अरेंजमेंट किया है। कितना महान ईश्वर है हमारा ईश्वर, हमारे बारे में बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा ये सब वरदान के रूप में दिया है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, जो तो बहुत कुछ हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो वरदान के रूप में हमको मिला है। ओके, चलिए 18 कलम। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। और his own will he begot us by the word of truth। वचन के द्वारा हमें नया जन्म दिया। अरे ये पत्रोस भी कहते हैं, पहला पत्री पहला अध्याय में, by the living word of God we are being born again। ईश्वर हमको नया जन्म दिया है। यीशु निकोदिमुस को बोला, नया जन्म नहीं पाया तो ईश्वर के राज्य में जा नहीं सकता। अब नया जन्म हम स्वयं हमारा कोशिश से हम प्राप्त नहीं है। जब हम ईश्वर को बोलेंगे यस ऐसा है तो मैं नया जन्म पाना चाहते हैं, तब ईश्वर हमारे अंदर काम करके हमें नया सृष्टि बना दे। इसलिए ईश्वर का और एक गुण है, ईश्वर ने हमें नया सृष्टि बनाया, नया जन्म दिया और उसका वचन के द्वारा हमारे अंदर काम करके हमको नया सृष्टि बनाया। ये ईश्वर किया हुआ और एक काम है। 1:17-5। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। ओके, कंगालों को ईश्वर चुना। He has chosen the poor। इधर है ना मंडल, जो धनी लोग हैं और गरीब लोग हैं उनके बीच में जो तकलीफें हैं उसके बारे में याकूब चर्चा कर रहा है। इधर क्या बता रहा है, ईश्वर ज्यादा धनी लोगों को नहीं चुना। क्यों?
धनी लोग ऐसा सोचते हैं उनको ईश्वर का कोई जरूरत नहीं है। अरे उन लोग जगत के बातों से तृप्त है और उन लोग इधर का जीवन के बारे में सोचते हैं। अरे इसके बदले में गरीब लोग, उन लोग ईश्वर के बारे में सोचते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर चुन लिया और चुन लिया इतना नहीं, विश्वास में धनी बनाया। उन लोग रोज रोज जीवन में ईश्वर को अनुभव करते हैं, जीवन का मुश्किलियां उनको प्रभु के पास नस्तिक लेके जाते हैं, ईश्वर का चमत्कार उनके जीवन में अनुभव करते हैं, इसलिए उन लोग विश्वास में धनी होते हैं। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और कंगालों को चुनने वाला ईश्वर है। दुनिया कैसा है, इंग्लिश में ऐसा कहता है, इफ यू आर पुअर यू हैव नो फ्रेंड्स, इफ यू आर पुअर यू हैव नो रिलेटिव्स। ऐसे दुनिया में हम रहते हैं। ईश्वर क्या करते हैं, कंगालों को, गरीबों को चुनते हैं। ऐसे चुनने वाला एक ईश्वर है और इधर उनको ईश्वर का राज्य वायदा किया है। इधर का बातें नहीं है, इधर का बातें उसके साथ जोड़ा हुआ है, पर हमें आखिरी में एक ईश्वर का राज्य वायदा करके दिया है। और हम आगे बढ़ेंगे, दो का 23। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर का मित्र, इधर अब्राहम के बारे में बताया, ईश्वर का बातों को मानने के कारण, विश्वास के बाद ईश्वर का बातों को मानने के कारण, विश्वास को काम के द्वारा प्रकट करने के कारण ईश्वर उसको क्या बुलाया, इस फ्रेंड ऑफ गॉड, ईश्वर का मित्र। यीशु मसीह अपना शिष्यों को भी ऐसा ही बुलाया, यू आर माय फ्रेंड्स। और सच्चा मित्र है तो कैसा है, एकदम हृदय खोल के बात कर सकता है। मित्रता ऐसा एक बात है, हम पूरा हृदय खोल के उनके साथ बात कर सकते हैं, हम कुछ उनके साथ कुछ छुपाएंगे नहीं। ईश्वर इतना हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हृदय खोल के बात करना चाहते हैं। और ईश्वर है ना, उत्पत्ति 18 में बोला है, मैं अब्राहम से कुछ छुपाएंगा क्या, डू आई हाइड एनीथिंग फ्रॉम अब्राहम, दैट इज ट्रू फ्रेंडशिप। ऐसा फ्रेंडशिप दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है, पीपल विल ऑलवेज हाइड समथिंग, दे विल नेवर बिकम ओपन और सो क्लोज। ईश्वर इधर कैसा है, हमारा मित्र बनना चाहते हैं, हमारे साथ एकदम नस्तिक निकट रहना चाहते हैं। चलिए, ऐसा एक ईश्वर है हमारे लिए, केवल हमें बचाया इतना नहीं, हमारे साथ इतना नस्तिक मित्रता में रहना चाहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे, 4 का 4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इधर उसका ऑपोजिट आया, इधर अब्राहम ईश्वर का मित्र हो गया, इधर ईश्वर कहते हैं, ईश्वर का वचन में लिखा है, जो
जग के साथ संबंध रखते हैं, प्रेम रखते हैं, वो ईश्वर का दुश्मन, ईश्वर का शत्रु है, मित्र नहीं है, शत्रु है। इधर जगत को प्रेम करने का अर्थ क्या है? इधर जो शब्द यूज किया है ईश्वर को स्वीकार करने के बाद, यदि दुनिया के पीछे कोई चला गया, उसको जो शब्द बुलाया, व्यभिचार बोला, और दुनिया को ज्यादा प्रेम किया है। हम देमास के बारे में पढ़ता है, देमास वर्तमान जगत को प्रेम करके चला गया। दिस अ वेरी डेंजरस थिंग। अरे ऐसे बहुत लोगों को हम दुनिया में देख सकते हैं, ऐसे एक समय उनके जीवन में इतना समर्पित जीवन जिया और प्रभु का वचन में इतना जानकारी था, प्रभु का वचन लोगों को बताता था, सिखाता था, और आखिरी में क्या हो गया? जगत के पीछे चला गया, जगत के बातों के पीछे, जैसा लोथ अब्राहम के साथ निकला है, और बाद में क्या तकलीफ हो गया, और इस जगत को ज्यादा पसंद किया, परिणाम क्या हो गया, और उसका परिवार कैसा नष्ट हो गया हम देखते हैं। इधर ईश्वर कहते हैं, यदि कोई anyone who is a friend of this world is an enemy of God, ईश्वर का शत्रु है। अब्राहम ईश्वर का मित्र था, इधर एक शत्रु बन गया। शायद वो मीटिंग में आता होगा और कभी कभी प्रार्थना भी करता होगा, फिर जगत को ज्यादा प्रेम करते हैं। जगत को प्रेम करने का अर्थ ये है, दिस नॉट द क्रिएशन, नॉट दिस प्लैनेट, इसके बारे में नहीं है। और देर इज अ सिस्टम इन दिस वर्ल्ड विच इज अगेंस्ट गॉड, अगेंस्ट द वे ऑफ गॉड, अगेंस्ट गॉडलीनेस, और इसके विरुद्ध में एक सिस्टम इधर है विच इज कंट्रोल्ड बाय सेटन, एंड पीपल कैन, अनलेस दे आर वेरी केयरफुल, दे कैन बी ट्रैप्ड इन दिस, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सो दूसरा अध्याय में हम परमेश्वर का मित्र को देखा है, परमेश्वर के साथ मित्रता, इधर परमेश्वर का शत्रु, और ये हालत में कोई विश्वासी कभी नहीं पहुंचना है। 4:6, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। Okay, God resists the proud. Shaitan, Lucifer, Shaitan बनने का कारण क्या है? उसके अंदर प्राइड आया। पहला तिमोथी 3 में लिखा है, प्राइड के कारण वो गिर गया। वो एक मुख्य स्वर्गदूत था, प्राइड उसके अंदर आया, इसलिए कोई अभिमान करता है ईश्वर उसके खिलाफ में है। इसलिए विश्वास बहुत समझने का है, दुनिया में कोई भी बातों में हम अभिमान नहीं करने का। वी शुड नॉट बी प्राउड अबाउट एनीथिंग दिस वर्ल्ड, वी शुड बी एबल टू से लाइक पॉल, I am what I am by the grace of God. मैं जो हूं वो प्रभु का अनुग्रह से। कोई भी बातों में हम घमंड नहीं करने का।
अरे ऐसा कोई करता है, ईश्वर उसका विरोध में, गॉड रेसिस्ट द प्राउड, और उसी के समय ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल, दो नम्र है, ए दोनों ऑपोजिट है। ए प्राइड में क्या होता है, प्राइड मेक्स अ पर्सन टू सी हिमसेल्फ सो बिग। प्राइड ऐसा एक चीज है, एक आदमी अपने दृष्टि में बड़ा देखता है, और नम्रता क्या है, एक व्यक्ति अपने दृष्टि में छोटा दिख रहा है। ऐसे लोगों को ईश्वर कृपा देता है। यदि एक व्यक्ति के जीवन से कृपा चला गया, उसका कारण उसके जीवन में प्राइड आया, इसलिए ईश्वर जो गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, उसका विरोध करता है। और उसी समय यदि एक व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है, उनको बहुत कृपा देता है, अनुग्रह देता है। चलिए, ईश्वर का अनुग्रह पाना है तो क्या करना है, इधर शॉर्टकट है, अपने आप को नम्र करना, जीवन में कुछ प्राइड आने को नहीं देना है, तब हम ईश्वर के दृष्टि में उनका अनुग्रह पा सकते हैं। और आठवा कलम, 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। पाते हैं, ड्रो नियर टू गॉड, ईश्वर हमारे पास नजदीक आना चाहते हैं, फिर इधर क्या तकलीफ है, हम ईश्वर के पास नजदीक आना नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा लोग होते हैं दुनिया में, हम उनको मिलने के लिए उनके घर तक गया, वो आना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता। ईश्वर भी ऐसा तकलीफें देखता है, ईश्वर लोगों के पास नस्तिक आना चाहते हैं। एदन बगीचा में ईश्वर उतर के आया, आदम उधर नहीं था, जो जगह में उनको मिलता था उस जगह में नहीं था, कहां भी दूर जगह में छुपा के बैठा था। इसलिए हम समझने का है, ईश्वर हमारे पास नस्तिक रहना चाहते, ईश्वर हमारे पास नस्तिक है। दुनिया में हमको कोई भी बात के बारे में डरने का नहीं, ईश्वर कितना हमारे पास नस्तिक है, इसलिए हमको डिसाइड कर सकता है ईश्वर के पास कितना नस्तिक रह सकता है। ईश्वर हमारे पास नस्तिक आना चाहते हैं, कभी कभी हम उसके लिए तैयार नहीं, इसलिए हमें ईश्वर से दूर रखने वाला कोई भी बातें हमारे जीवन में आने को नहीं देना है। हम ईश्वर के समीप में रहना है, नस्तिक रहना है, वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा आशीष होगा। इतना महान ईश्वर हमारे नस्तिक, हमारा मदद के लिए, हमारा सहायता के लिए हमारे नस्तिक है, तो कितना बड़ा बात है। 4:12, 1-2 कलम बढ़ के हम पूरा करेंगे। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है, पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है। 5:9-7 में पढ़िए। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम पर तुम दोषी ना ठहरो, देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हाकिम और व्यवस्था देने वाला और हकीम एक है, वो बचाने वाला और नाश करने वाला, उसको अधिकार उनके पास है, उनको मालूम है दूसरे के साथ क्या करना है। इसलिए हम न्याय का सिंहासन पर कभी नहीं बैठने का है, वो ईश्वर को ये खाली करके रखना, हम ईश्वर को जाकर बता सकता है, बोल सकते हैं, राम संभालना है।
उसके लिए कुछ ऐसा है। देखा हम इस बारे में पढ़ते हैं, ही इज द लॉ गिवर एंड ही इज द जज, व्यवस्था देने वाला और हकीम है, और ही इज द जज, हमारा ईश्वर न्यायाधीश है, हकीम है, उनको न्याय करने को बराबर आता है, किसके साथ कैसा क्या करना है, कौन कैसा है, सब ईश्वर को मालूम है, ऐसा एक ईश्वर है। इसलिए हम दूसरे के साथ व्यवहार करते समय में वो सीमा रखने का, संभालने का, जहां तक हमको जा सकता है उधर तक जा सकता है, बाकी काम ईश्वर का है, ईश्वर करेंगे। इसलिए ईश्वर एक हकीम है, न्यायाधीश है, न्याय करने वाला है, और बचाने वाला है, और नाश करने वाला भी है, ऐसा एक ईश्वर है हमारा ईश्वर। चार का 15, इसके विपरीत तुम्हें यह करना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। ओके, यदि प्रभु चाहे तो, इफ गॉड विलिंग, ये जो ग्रीटिंग कार्ड सब चलते हैं उधर ये डीवी देखते हैं, डीवी का अर्थ क्या है, डीओ वॉलंटरी, गॉड विलिंग, इसलिए विश्वासी लोग समझने का है, कल के बारे में कुछ घमंड नहीं करने का है, कुछ अपना ही प्लान नहीं बनाने का है, कल क्या हो जाएगा हमको मालूम नहीं है, कल के बारे में जानने वाला उसका इच्छा के अनुसार सब कुछ करने के लिए सीखने का है, हम हमारे मर्जी के अनुसार नहीं करने का, ईश्वर का इच्छा के अनुसार। इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत में बताऊंगा, अभी सोच लो एक मकान नया बनाने का है, और मैं खुद बैठे उसका ड्राइंग सब कर दिया, थोड़ा कुछ समझो मुझको, थोड़ा ड्राइंग मालूम है कि ऐसा मकान होने का है, मैं एक आर्किटेक्ट के पास जाके उसको दिखाया, बोला ये मकान ऐसा ही रहने का है, बनाओ, एक बात कर सकते हैं, यदि ऐसा एक आर्किटेक्ट मिलता है तो अच्छा है। दूसरा है, मकान बनाने का है, आर्किटेक्ट के पास गया उसका है तो हमारा जरूरत है, उसने ड्राइंग करके दिखाया, आपका मकान ऐसा ही रहेंगे, ये है भरत। हम कई बार हमारा प्लान बना के ईश्वर के पास लेके जाते हैं, इसके बदले में ईश्वर का प्लान क्या है, बारे में क्या है, एक एक विषय समझने का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम गॉड विलिंग हमारा जीवन का हर जरूरत है, हर बात के साथ जोड़ के बताने का है। पांच का, विच वर्स ब्रदर, पांच का 4। ओके, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा खा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लेबने वालों कि दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। ऐसा मजदूरों का प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं, दूसरे के जमीन काम, जमीन का मालिक बहुत अच्छा था, उनको जो मजदूरी मिलना था नहीं दिया, क्या किया उनके साथ कर नहीं सकता है, जाके घर में जाके रोया, ईश्वर सुनता है, समझता है,
यदि हम कुछ अन्याय करें, हमारे साथ कोई अन्याय करे, हमारे कोई अन्याय किया, हम ईश्वर के पास कर सकता है? ईश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। कितना भी हम छोटा हो, ईश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। हमारे साथ कोई अन्याय किया, क्या कर सकता है? हम ईश्वर के पास जाके बोल सकता है। अरे ईश्वर साधारण मनुष्यों का प्रार्थना और हृदय का वेदना देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसा ईश्वर है। आखिर में और एक कलम 5:15, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। क्षमा करके चंगाई देने वाला ईश्वर है, विश्वास का प्रार्थना सुनने वाला है और चंगाई देने वाला है, पाप का क्षमा करने वाला है, ऐसा एक ईश्वर। इसलिए जब मैं याकूब का पत्र पढ़ता था, ईश्वर के साथ जोड़ के जितना बातें बोला है, ये मेरा हृदय को एक बार बहुत स्पर्श किया। मैं एक एक बात नोट किया, कैसा ईश्वर है हमारा ईश्वर, कितना बड़ा बड़ा गुण उसके अंदर है, हम में से कितना अलग है और हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं ईश्वर। ऐसा एक ईश्वर है, हम उस ईश्वर का बेटा बेटी हैं, हमारे ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं, हमारा प्रार्थना सुनने वाला है, हमें वायदा दिया है, हमें मदद करने वाला है, हमारे जरूरत के अनुसार हमारे साथ रहने वाला है, हमारे नस्तिक आने वाला है, आने चाहते हैं, ऐसा एक ईश्वर। हम इस ईश्वर को ज्यादा प्रेम करें, उसका इच्छा के अनुसार आगे बढ़ें। प्रभु हम इन वचनों के द्वारा हमें मदद करें।